हेलो फ्रेंड्स, आपका दी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोपहर का व्लॉग शूट कर रहे हैं। आज हम दोपहर में आलू गोभी बनाएंगे, तो हम यहाँ पे आलू गोभी काट रहे हैं। और यहाँ पे हमने आलू गोभी काट दी और हम इसे गर्म पानी में धोएंगे। तो ये हमने गर्म पानी में रख दिया है और अब हम आलू भी कट गए हैं, तो आलू को भी पानी में डाल के रख दिया। ये मटर छील के रखे हुए थे। अब हमारी सारी सब्जियां कट गई, अब हम इन्हें छोक लेते हैं। और सुबह का सारा काम हो गया था, तो हम ये दोपहर का रूटीन शेयर कर रहे हैं। और अब सब्जी छोक लेंगे। आज हम प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, आज हम जीरे में छोकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले भुन रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जी को हम बंद कर देते हैं बनने। बैठ के पी लो, बैठो, बैठ के पियो, नीचे दादी जी के पास पी लो बैठ के। हाँ, छत्रपति हो गई, पी लो आप, मानी पी लो। इतने हमारी सब्जी बन रही है, इतने आटा गूंद लेते हैं। इधर देखो, हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम रोटी बनाएंगे। आटा गूंद लिया है और बेर आ चुके हैं अब। और ये 6 में हमने जीरा डाल दिया। ये लड्डू गोपाल जी की हमने थाली लगा दी और रोटी बना रहे हैं। रोटी देंगे सबको। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेटा यहाँ पे गाड़ी चला रहा है। एक राउंड और लगा के आओ। इसे हमने राउंड लगाने के लिए कहा, तो ये राउंड लगाने चला गया। और अब इसे हम नहला के लिए आए यहाँ पे। और ये बाथिंग बाथिंग कर ली मेरे बेटे ने। करो कंगी, ऐसे होती है कंगी। आप नहाई नहाई करिए करिए, गुड बॉय बन गए। अच्छा ठीक है, चलो लाओ, मम्मा को दो, मम्मा करेगी। बेटा भी कर लिया आपने कंगी? अच्छा चलो, अब बुबू पी लो। अब बेटे को दूध पिलाएंगे, तो दूध ठंडा कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसे दूध पिला रहे हैं। ये देखिए दूध पी रहा है ये। तो इतने दोपहर के ये बर्तन हुए थे, तो हम इन्हें मांझ लेते हैं, साफ़ कर लेंगे। और किचन भी साफ़ करनी है। और जो ये सुबह के बर्तन रखे हुए हैं, इन्हें स्टैंड में लगा देंगे। घर में बहुत काम होता है, छोटे मोटे काम बहुत से हो जाते हैं, वो व्लॉग में नहीं ला पाते। अब यहाँ पे हमने बर्तन साफ़ कर दिया, अब किचन साफ़ कर रहे हैं, गैस साफ़ कर रहे हैं। तो अब ये सारा काम हो जाएगा, तो फिर हम दोपहर में बाबू को लेके लेट जाएंगे। और अभी तो हमें रूम साफ़ करना है, रूम भी अभी फैला पड़ा है हमारा। ये देखिए, हमने यहाँ पे किचन साफ़ कर दी सारी। और अब हम रूम साफ़ कर लेते हैं। देखिए कितना फैला पड़ा है रूम। और आज सोच रहे हैं, जो ये कंबल है, रजाई है, ये धूप में ऊपर छत पे डाल के आए, इन धूप लग जाएगी तो जो स्मेल से हुई रहती है वो निकल जाएगी। और अब हम इन्हें धूप में डालने जा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रूम साफ़ कर दिया ये। और ये सीट बिछा के रखते हैं, क्योंकि बाबू कभी सुसु कर देता है तो गद्दे ख़राब नहीं होते। और ये देखिए, अपनी दादी जी के पास खेल रहा है। अब थोड़ी देर बाद हम इसे लेके सो जाए लेट जाएंगे, इसे सुला देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सुला दिया इसे। और फिर दोबारा मच्छरदानी लगानी पड़ी, क्योंकि मच्छर बहुत है। और फिर उठने के बाद हमने शाम की चाय बनाई, शाम की चाय सबने पी ली। और आज मम्मी का फास्ट था गुरुवार का, तो आज हम मीठे पराठे बनाएंगे मम्मी के लिए। उसके लिए हमने चीनी भिगो के रख दी। इधर हम इतने बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और इधर देखिए, बाबा जी और विनायक एक कबूतर को लेके आए हैं, इनके बाबा जी विनायक के। वो कबूतर बिल्ली ने पकड़ लिया था, तो उसे छुड़ा के लेके आए हैं। अभी ठीक है वो, लेकिन मुझे हालत उसकी ठीक नहीं लग रही। तो हम यहाँ पे उसके लिए दाना लेने आए थे छत पे, तो देखा तो देखिए कितने मोर आए हुए हैं यहाँ पे हमारी छत पे।
और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम होएगा अगले दिन, क्योंकि ये बहुत जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही होता है कि बारिश बुलाते हैं। और हमने इन्हें भी दाना डाल दिया और अब हम कबूतर के लिए लेके चलते हैं। और ये हमने पापा जी को दे दिया यहाँ पे। पापा जी बोल रहे हैं कि इसके लिए हल्दी का दूध ले आओ। हम हल्दी का दूध लेके गए और रखा, हमने कैमरा ऐसे पकड़ रखा था जैसे फ़ोन, क्योंकि पापा को ना पता चले हम वीडियो बना रहे हैं। और हमने इसे पानी भी रख दिया। ये वैसे ठीक नहीं था, मुझे लगा कि शायद इसे चोट लगी है बहुत। और फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया, मम्मी के लिए खाना बनाना। और आपको दिखाते हैं, देखिए जब तो हम दिखा नहीं पाए लेकिन अब दिखा रहे हैं। ये देखिए इसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब है, देखते हैं ठीक हो जाए तो ठीक है जैसे भी। और इधर हमने मम्मी के लिए चाय रख दी और हम इधर मम्मी के लिए खाना बना देते हैं। और हमने ये पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया, ये गौ माता को देंगे पहला पराठा, मम्मी दे के आएंगी। उधर चाय भी हो गई है। और इस ब्लॉग में इतना ही। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना। और हम जितना भी हो सकता है हम उतना ब्लॉग शूट करते हैं। ये मम्मी के लिए खाना लेके जा रहे हैं। चलो बाय।